हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट डे मैंने आपको इस लेसन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो थे, कुछ एडजस्टमेंट्स थे, वो बताए थे, जिसकी बेसिस पर आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिले। और अब आज मैं इसके अंदर इक्वेशन वाला जो पोर्शन है, इस लेसन के अंदर दो पार्ट है। एक तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो है, और इसके बाद में जो इक्वेशन होती है कैपिटल वाली, उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको आज इस लेसन के अंदर जो लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट और काम की टर्म्स है अकाउंटिंग इक्वेशंस की, और ये जो है इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स, जो आपका इसका हेडिंग है कि आपके जो एडजस्टमेंट्स है, ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन, उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसके बारे में है। तो सबसे पहली बात यह है कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कोई चीज़ अगर हमारे पास कम ज़्यादा हो जाती है तो लाइफ में कुछ एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा सेटल्ड करना, कुछ कम ज़्यादा करके उसको जैसे भी हो उसका सेटलमेंट करना। तो अकाउंटिंग के अंदर भी क्या रहता है कि जब अपन अपनी अकाउंटिंग पूरी करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आधी अधूरी रह जाती है। किसी का हमने पेमेंट नहीं किया, किसी का हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, कुछ एसेट्स है जिसको हमको डेप्रिशिएट करना था अभी तक हमने किया नहीं। तो सो मैनी एडजस्टमेंट, और एक बहुत ही बड़ा और आपके 11th का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएगी। तो अभी देखिए मैं वन बाय वन आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं उनको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बुक के बजाय अपनी लैंग्वेज में आपको चीज़ों को बताता हूँ, जिससे आप उसको लर्न करने में आपको सुविधा रहे और आप सिंपल वर्ड्स में उनको जो है जब भी जरूरत पड़े उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें एडजस्टमेंट के अंदर, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे हिंदी के अंदर इजीली जो है कई बार होता है कि चीज़ों को बड़ा आराम से अपन समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अपन डेटर्स कहते हैं तो हिंदी में डेटर का मतलब होता है देनदार, यानी जो पैसा देगा। लेनदार क्रेडिटर्स को कहते हैं, यानी कि जो बिजनेस से पैसा लेगा। तो हिंदी के अंदर वर्ड इस तरह से बनी हुई है, टर्म्स ऐसे बनी हुई है कि उसके नाम से अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा उसको जो चेंज किया गया, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और वैसे इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आपको भी उन वर्ड्स की जो है मीनिंग वैसे जनरली पता होते हैं। तो हिंदी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहते हैं बकाया खर्च। बकाया मतलब कि जो देना था अभी तक हमने दिया नहीं। तो इन सिंपल मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि एक्सपेंसेस जो है वो ड्यू तो हो गए, एक्सपेंसेस ड्यू हुए बट नॉट पेड। तो जो भी अमाउंट जो है वो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, उसी को अपन क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग। जैसे फैक्ट्री है आपकी, उसका लाइट का बिल आ चुका है, उसकी ड्यू डेट भी आ गई, ड्यू डेट निकल गई, लेकिन आप किसी भी रीज़न से लाइट का बिल भर नहीं पाए, तो इसको अपन आउटस्टैंडिंग लाइट बिल कहेंगे। आपके स्टाफ की सैलरी, जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस रीज़न से आपकी फैक्ट्री जो है वो नहीं चल पा रही है, 3-4 महीने से बंद पड़ी है, और अब आपको अपने स्टाफ की सैलरी देनी है लेकिन आपके पास फंड्स है नहीं, तो आप उनको सैलरी दे नहीं पाएंगे, तो फिर ये सैलरी जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग। लेकिन बिजनेस के अंदर एक अलग सा सिस्टम ये होता है कि एक्सपेंसेस अगर हो गया है तो चाहे आप उसका पेमेंट करें चाहे ना करें, बट आपको उसको एक्सपेंसेस में लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका प्रॉफिट सही नहीं आएगा। बिकॉज अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट होती है गोइंग कंसर्न, तो वो ये बताती है कि बिजनेस तो चलता रहेगा। तो इस साल का अगर रेंट आपने नहीं भी चुकाया तो भी आप उसको एक्सपेंसेस में शामिल करोगे, तभी इस साल की इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे और आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा। तो पेमेंट करना कोई नेसेसरी नहीं होता है बिजनेस के अंदर अपने एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। आप कैश ट्रांजेक्शन्स भी करते हो, आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी करते हो, तो सारे ट्रांजेक्शन्स आप जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में आपको कैश इनकम होगी तो मिलेगी ही, ऐसा हम मानेंगे डेफिनेटली। और एक्सपेंसेस हुआ तो आज नहीं तो कल उसका पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम लाइट का बिल भरेंगे ही नहीं या फैक्ट्री का किराया हम देंगे ही नहीं, वैसा करने पर तो आपको परेशानी होगी, लाइट का कनेक्शन कट जाएगा या आपको फैक्ट्री खाली करनी पड़ जाती है। तो कैश की वजह से अगर हम पेमेंट थोड़ा डिले करते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलेगा, लेकिन ज़रूरी है कि उन एक्सपेंसेस को, उन इनकम को उस साल में लिखा जाए जिस साल के वो है। और अगर हमने किसी इनकम या एक्सपेंसेस को फ्यूचर के लिए रिसीव कर लिया, फ्यूचर के लिए पे कर लिया, वो पे भी हो चुकी है, रिसीव भी हो चुकी है, फिर भी हम उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट ये अलाउ नहीं करती। वो ये कहती है कि एक्सपेंसेस और इनकम उसी साल के लिखने हैं जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना उसका अगला ना उसका पिछला। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, जैसे जस्ट अभी आपने 10th पास करी, तो अगर 10th के अंदर आप 11th के सब्जेक्ट पढ़ते
या नाइन्थ के पढ़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ना तो वो टेंथ में काम आने वाले हैं, ना उनका एग्ज़ाम होगा, तो फिर उसकी क्या यूटिलिटी है, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए टेंथ में है तो आपने टेंथ के ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और इलेवंथ में होंगे तो इलेवंथ के ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगले और पिछले नहीं, लेकिन उस साल के तो पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे भले वो आपको पसंद आए ना आए, जैसे भी है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने कॉमर्स लिया है अभी, और अगर अकाउंटिंग आपको नहीं भी पसंद है या बीएसटी आपको नहीं पसंद है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वापस सोचना चाहिए कि मुझे कॉमर्स लिया है, मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है और फिर भी आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो दैट मीन्स कि वो आपके लिए फिर ट्रबल बन जाता है। तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो होते हैं कि जो ड्यू तो हो गए हैं पर हमने पेमेंट नहीं किया, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखिए इक्वेशन के हिसाब से मैं इसका जो एडजस्टमेंट है मैंने लिखा है कि ये कैपिटल में से लेस होते हैं और लाइबिलिटी को ये रेस्ट करते हैं। तो अब देखिए कि इसमें क्यों ये कैपिटल में से लेस होंगे और क्यों ये लाइबिलिटी को रेस्ट करते हैं, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, चाहे भले आपने उसका पेमेंट किया या नहीं किया, पहले हमने इनको नहीं लिखा था। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ आप जो है रेंट देते हैं फैक्ट्री का, आपने 10 मंथ का दिया तो 10 × 10 कितने हो गए, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज तो आपने यहाँ पे पे कर दिया रेंट 10 × 10, लेकिन आपको अभी भी रेंट बाकी है। कितने मंथ का ड्यू पड़ा आपका, जिसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं कि 2 महीने का रेंट आपका बाकी है, तो 10 × 2 यानी कि 20,000 रुपीज आपका बाकी है। अगर ये बाकी नहीं रहता तो हमारा टोटल रेंट जो है वो कितना होता, 1,20,000, लेकिन अभी आपने फिलहाल कितना चुकाया, आपने चुकाया 1 लाख। तो चाहे आपने 1 लाख चुकाया है फिर भी आपने जो 2 महीने का बाकी रखा, जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा तो आपको ये 20,000 रुपीज़ इस रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ कर फिर टोटल रेंट आपको जो है कितना दिखाना पड़ेगा, 1,20,000। तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस में ऐड होते हैं, एक्सपेंसेस ऐड होने के कारण आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, रिड्यूस। और जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो वो आपकी कैपिटल को क्या करेगा, कम। तो बहुत ही डीपली मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आप जो भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं या जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आप देख लीजिए कि ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ जितना डिटेल से, और आपने जो खुद ने पढ़ा है या जैसे समझा है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। और इसी तरह से मैं हमेशा हर टर्म में आपको ऑलवेज जो है ट्राई करूँगा कि मैं बेटर से बेटर उसको चीज़ों को समझा सकूँ, जो सिर्फ आप रटे नहीं बल्कि होल टाइम जब तक आप अकाउंट पढ़े आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में रहें, कुछ रटना या आपको याद करने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्यों बन जाती है कि जैसे आपका कोई एक्सपेंसेस है, आपने पेमेंट कर दिया तो आपको उससे छुटकारा मिल गया, भाई हाँ लाइट का बिल आया, आपने पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स कि आपका एक्सपेंसेस पे हो गया और आपकी कैश कम हो गई। तो एक तरफ तो आपका एक्सपेंसेस कैपिटल को कम करेगा, तो वो तो करेगा ही करेगा, अभी भी करेगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस को तो बढ़ाई गई, लेकिन क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो किसी चीज़ का पेमेंट नहीं करना आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और अकाउंटिंग के अंदर जो चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को अपन लाइबिलिटी कहते हैं, और जो चीज़ जिस पर आपकी अथॉरिटी है उसी को अपन एसेट्स कहते हैं। कि भाई हमारा घर है जिस पर हमारा अधिकार है, हमारी कार है जिस पर हमारा अधिकार है, तो वो हमारे लिए क्या बन गई, एसेट्स। और दूसरी तरफ जो चीज़ें देनी है, किराया देना है, लाइट का बिल देना है, गाड़ी की किस्त देनी है, लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, जो हमने दी नहीं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि अभी तक पे नहीं हुआ है तो जब तक आप उसको पे नहीं करोगे वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, और इसीलिए फिर उसको आपको जो है जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक उसको क्या मान के लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी साइड में इसका एक सेपरेट कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। उसके बाद अगला वर्ड है इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेकंड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये तो था कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, और ये हो जाएगा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप इंग्लिश में भी बहुत इजी वर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं हिंदी में इसको मैं बताऊं, लेकिन हिंदी में इसका मतलब होता है पूर्व दत्त व्यय, यानी कि पूर्व यानी पहले, और दत्त का मतलब देना। और इंग्लिश में भी इजी वर्ड है इसका मीनिंग के प्री पेड, जैसा आप लोग आजकल सुनते हैं मोबाइल्स के अंदर हमेशा ये वर्ड यूज़ होता है प्री पेड और पोस्ट पेड। प्री पेड का मतलब ये होगा कि पहले रिचार्ज कराएंगे और उसके बाद जितने मंथ का जितने टाइम पीरियड का आपने जो है रिचार्ज कराया उतने दिन तक मोबाइल चलेगा, और वो ख़त्म होने पर आपकी जो है वैलिडिटी उसकी कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरा होता है पोस्ट पेड,
जिसमें पहले आप यूज़ करते हो और मंथ ख़त्म होने के बाद आपके बिल आता है कि भाई आपको इसका पेमेंट करना है, तब आप उसका पेमेंट करते हो। तो ये प्रीपेड और पोस्ट पेड जो है मोबाइल से आपको इस प्रीपेड का वर्ड का मीनिंग ईजिली समझ आ जाता है। तो कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि हम कुछ एक्सपेंसेस जो है उसका पेमेंट एडवांस में ही कर देते हैं और उसी एडवांस पेमेंट को जो है वो हम क्या कहते हैं, प्रीपेड। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी फैक्ट्री का किराया जो था एग्रीमेंट हुआ कि 2 साल का किराया आपको एडवांस देना पड़ेगा, तो आपने 2 साल का किराया एडवांस दे दिया, तो एक ईयर तो ख़त्म हो गया, उसकी यूटिलिटी मिल गई, वो तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन जो अगले साल का पेमेंट आप एडवांस कर चुके हो तो वो प्रीपेड आपका कहलाएगा और वो आपके लिए एक तरह की एसेट्स हो गई, क्योंकि हमको अधिकार है कि हम उस मकान के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर 1 साल और रह सकते हैं। ये तो स्ट्रेट हो गया। और कई बार क्या होता है कि केवल अकाउंटिंग एरियड जो एरिया होता है, पीरियड जो हमारा होता है, उसकी वजह से कोई चीज़ें प्रीपेड बन जाती हैं। जैसे हमने कोई पेमेंट किया 1 दिसंबर को अगले साल के दिसंबर तक, और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब ख़त्म होता है, मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च तो वो इस साल के रह गए, लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो आपने एडवांस पेमेंट किया है, जो प्रीपेड हो गया, वो नेक्स्ट ईयर में चला गया, तो वो भी अ टाइप ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। तो बिजनेस के अंदर आपको ये छोटे बड़े काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स अपने फाइनल अकाउंट के समय करने पड़ते हैं, जिससे कि आप अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाए। तो प्रीपेड का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में कर दिया है, पहले से ही आपने उसका पेमेंट कर दिया है, इसीलिए अपन उसको जो है वो प्रीपेड कहते हैं। तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, एक तो डिडक्ट फ्रॉम कैश, ऑब्वियस है आपने पेमेंट किया है प्रीपेड में, तो यानी कि पेमेंट किया है तो आपकी कैश जो है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपने जो पेमेंट किया है वो आपके लिए एसेट्स बन गई, क्योंकि अब आपको अधिकार है उस चीज़ को यूज़ करने का, क्योंकि आपने पेमेंट पहले से एडवांस कर दिया कि भाई जैसे आप होटल में जा रहे हैं, आपने अगर 5 दिन का पहले से एडवांस किराया भर दिया तो आपको राइट मिल गया कि अभी 5 दिन आप होटल में रह सकते हैं। तो इसलिए प्रीपेड हमारे लिए जो है वो है, जिस तरह से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी, देनी थी, दी नहीं, तो वैसे ही प्रीपेड हमारे लिए जो है वो क्या बन जाती है, एसेट्स बन जाती है, जिसका पेमेंट हमने एडवांस में किया है। एसेट टाइप में एक सेपरेट कॉलम से अपन जो है इसके अंदर प्रीपेड को शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें अगला एडजस्टमेंट जो है वो आपका है, नेक्स्ट वर्ड है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मीनिंग ये होता है कि आपने जो इनकम एडवांस में कमा ली, एक्रूड इनकम जो है ऐसी इनकम जिसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जिता है। एक्रूड इनकम का मीनिंग होता है कि इनकम आपने कमा तो ली परंतु अभी तक आपको मिली नहीं है, कि इनकम आपने जो है वो अर्न कर ली बट नॉट रिसीव। लाइक जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं और अभी तक जॉब के जो है वो 15 दिन ही हुए, लेकिन आपको पेमेंट जो है वो कब मिलेगी, जब मंथ एंड होगा तब मिलेगी। तो ये 15 डेज की जो सैलरी है ये इस तरह की सैलरी हो गई कि जो आपने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। इसी तरीके से आपने अगर कोई कमीशन है, किसी को लोन दे रखा है, उसका इंटरेस्ट है जो आपने कमा लिया, आपका ड्यूरेशन जो था वो पूरा हो गया, आपने किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि भाई आपको मकान बिकवाना था और आपने उसका मकान बिका दिया और उसके ऊपर आपका 5,000 रुपये का कमीशन बना, और आपने मकान बेचकर सारा उसका काम भी कर दिया लेकिन उसने 5,000 रुपये अभी तक हमको दिए नहीं। तो दैट मीन्स कि बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जिसके अंदर अपन ने इनकम अर्न कर ली लेकिन हमको वो पैसा अभी तक दे नहीं रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो बेसिकली ये जस्ट मैं अगर इसको रिवर्स कर दूँ कि हमको रेंट जो है वो रिसीव हुआ है सिर्फ 10 महीने का, तो 10,000 में 10 कितना होना था, 1,00,000, लेकिन अभी तक 2 महीने की जो रेंट है वो हमारी अक्रूड पड़ी है, क्योंकि वो प्राप्त हो जानी चाहिए थी साल के अंदर, हमको एज ए ओनर, एज ए लैंडलॉर्ड हमको वो किराया मिलना था पर वो हमको मिला नहीं। तो 10,000 × 2 यानी 20,000 का रेंट अपन को मिलना बाकी है, लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सिस्टम क्या रहता है कि चाहे रेंट मिले चाहे नहीं मिले इन कैश, लेकिन आप उसको इनकम के तौर पर शामिल करोगे, इसीलिए आप अपनी इनकम को जो है वो 20,000 से क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। और इस कारण से जब इनकम बढ़ती है तो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारी कैपिटल जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कैपिटल बढ़ने के कारण यहाँ पर अपने लिखा है एडिंग कैपिटल और एक्रूड इनकम, यानी कमा लिया है लेकिन हमको मिला नहीं, तो जब कमाया है मिला नहीं तो उसके ऊपर हमारा राइट है, हमारी अथॉरिटी है, तो इसीलिए ये कौन सी साइड को वेस्ट करेगा, ये एसेट साइड को वेस्ट करेगा। थोड़ा सा लाइट का कुछ फ्लैक्शन हुआ है, थोड़ी लाइट चली गई इसलिए शायद थोड़ा सा लाइट कम है, लेकिन आई थिंक ये दिख रहा है आराम से, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो लास्ट पॉइंट जो है वो बता देता हूँ मैं, लास्ट पॉइंट है
अनर्ड इनकम। तो अनर्ड इनकम का मीनिंग ये होता है कि इनकम अर्न या रिसीव इन एडवांस। तो इनकम जो है वो रिसीव्ड इन एडवांस भी है, मतलब कि इनकम आपने अभी तक कमाई नहीं और आपको पहले से ही मिल गई, तो उसको अपन बोलते हैं अनर्ड इनकम। अब जैसे मान लीजिए काफ़ी स्टूडेंट ने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया है अभी, तो ट्यूशन ज्वाइन करते ही काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि भाई स्टार्टिंग में आपको पूरी फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी, या मान लीजिए हाफ ईयरली फीस भी आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी आधी, मतलब कि भाई आपकी 10,000 फीस है, आप 5,000 जो है वो 5 डे डेमो के बाद जमा करा दीजिए। तो आपने 5-6 दिन डेमो लेने के बाद वो 5,000 जमा करा दिए, लेकिन ये फीस जो आपने अभी जमा कराई है वो टीचर के हिसाब से अभी तक आधे कोर्स की फीस उन्होंने ली है, लेकिन आधा कोर्स अभी तक हुआ नहीं। तो जब तक आधा कोर्स नहीं होगा तब तक उनके लिए वो इनकम जो है वो अनर्ड इनकम बन जाएगी, कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी काम आपने किया नहीं और पैसे आपको पहले से मिल गए। जैसे मकान के किराए की मैंने यहाँ पर बात करी थी कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट में ये कह दो कि नहीं भी मुझे तो 2 साल का किराया चाहिए, तो 1 साल तो वो मकान में रह चुका है तो उसका किराया तो जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो अगले साल का किराया आपको जो एडवांस में मिला है तो वो रेंट आपकी जो है वो क्या कहलाती है, अनर्ड रेंट। तो मतलब जो एक्सपेंसेस एडवांस पे करते हैं वो प्रीपेड, और अगर इनकम एडवांस पे रिसीव होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अनर्ड। तो इसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए पहला, क्योंकि ये आपको रिसीव हो चुकी है इनकम कैश के अंदर, तो पहला तो ये इसको इंक्रीज करेगी कैश को। दूसरी बात, क्योंकि हमारे लिए हमने जो पैसा लिया है अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस काम को पूरा करें, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो दूसरी ये जिस चीज़ को जो है वो आपकी रेज करेगी लायबिलिटी। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग, पैसा देना था अभी तक दिया नहीं, लायबिलिटी। प्रीपेड, आपने पैसे एडवांस में दे दिया, आपको अथॉरिटी मिल गई उस चीज़ के ऊपर, तो वो एसेट्स। एक्रूड इनकम अर्न कर ली पर मिली नहीं, तो हमारी अथॉरिटी है तो ये एसेट्स को बढ़ाएगी, और लायबिलिटी साइड को बढ़ाएगी हमारी अनर्ड इनकम, क्योंकि हमने पैसे पहले से ही ले लिए। और ये वाले जो एडजस्टमेंट थे इधर से कि प्रीपेड यानी एक्चुअली पे कर दिया है तो कैश कम होगी, और अनर्ड इनकम एक्चुअली आपको रिसीव हो गई है तो वो कैश को जो है बढ़ा देगी, लेकिन आउटस्टैंडिंग और एक्रूड जो अभी तक ना मिले हैं और ना हमने चुकाए हैं, तो ये डायरेक्ट कैश को इम्पैक्ट नहीं करते, ये सिर्फ इसको इम्पैक्ट करेंगे कैपिटल। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग जो है, वैसे पेमेंट करते तब तो कैश में कम होता है, लेकिन पेमेंट किया नहीं इसलिए वो फिलहाल किसको कम करेगा, कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेंगे। और वैसे वैसे एक्रूड इनकम मिल जाती तो कैश बढ़ती, पर मिले नहीं, लेकिन इनकम है मिलेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए उसको अपन कहाँ पर ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो ये बहुत ही डीप, मैंने आपको बहुत दूर तक लेसन में आपके काम आने वाली चीज़ थी इसलिए यहाँ तक बताया है, और अब आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो करके बताता हूँ, जिससे कि आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन करिए, और मेरे नंबर आपको दे रखे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।